क्या बताऊँ, पेमेंट हो गया, सब कुछ क्लियर। ओडो पर ओडो देखो भाई, ओडो देखो गाइस, 356 किलोमीटर बाइक अभी रन हो चुका है। सो गाइस चलो निकलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे और बहुत दिनों बाद जिक्सू को लेके निकल रहे हैं। बहुत दिनों बाद आया है फ्रेम पे, तो कहाँ जा रहे हो तो चलते चलते बताएंगे। चलो होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो सिक्किम नॉर्थ सिक्किम राइड का पूरा सीरीज़ जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैंने डाला हूँ। नॉर्थ सिक्किम राइड गुरुदोमा लेक गया था मैं शेडू को लेके, और आज तो जिक्सू राइड कर रहा हूँ और बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ जिक्सू के ऊपर। सो हेलो गाइज, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एपीमोटो ब्लॉग्स। सो आज जा रहे हैं मेरा एक दोस्त है जिसका ओरिजिनल नेम तो अतनु है, लेकिन आप लोग बहुत लोग पहचानते हो, मिस्टर ग्रे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे। पहले टिकटॉक करता था, अभी उन लोगों का एक ग्रुप यूट्यूब चैनल भी है। वो मेरा दोस्त का आज ही फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट बाइक खरीदने के लिए गया है और मुझे कॉल किया कि भाई आ जाओ, कौन सी बाइक ले रहा है, कौन सा कलर है मुझे तो मालूम नहीं, हो सकता है कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कौन सी बाइक कौन सी कलर है। और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है शोरूम, शोरूम पे भी आ गया हूँ। चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ कौन सी बाइक ले रहा है। सो बहुत सारी तो बाइकें हैं इधर पे, कौन सी ले रहा है मालूम नहीं। इधर पे DD ऑटोमोबाइल स्टोर, इसमें सब तरह की बाइक अवेलेबल है इधर पे। सो चलो दिखाता हूँ ग्रे को। सो ये है मिस्टर ग्रे, मेरा दोस्त, आप बहुत लोग पहचानते भी हो, और लाइफ का फर्स्ट बाइक है, कांग्रेचुलेशन ब्रो। सो गाइस अंदर में पेपर वर्क चल रहा है और इसका तो हालत अभी ख़राब है क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है लोन के लिए, तो थोड़ा टेंशन में है, लेकिन आज बाइक दे देगा ये तो कन्फर्म है। तो कौन सा बाइक ले रहा है, R15 version 3 BS6 मॉडल, कौन सा कलर, मैं थोड़ी देर बाद दिखा देता हूँ। भाई का फर्स्ट बाइक है, कांग्रेचुलेशन, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सिनेमैटिक इन्जॉय करो आप लोग। था नया बाइक, एकदम पेमेंट सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। और फिर हम लोगों को दिखाई दिया इधर पे बाइक, थोड़ा घिसा हुआ है इधर पे, मिरर पे देखो घिसा हुआ है, इधर पे एग्जॉस्ट भी घिसा हुआ है, एकदम नया बाइक ऐसा। और एक बड़ी बात क्या बताऊँ, पेमेंट हो गया है, सब कुछ क्लियर। ओडो पर ओडो देखो भाई, ओडो देखो गाइस, 356 किलोमीटर बाइक अभी रन हो चुका है। सो इन लोग बता रहे हैं कि बाइक टेस्ट राइड हुआ है, बाइक एकदम नया बाइक है, हम लोग नया बाइक में खरीद रहे हैं और इतना ज़्यादा किलोमीटर रन हो गया है, मतलब क्या है कि इतना किलोमीटर का रन हो चुका है तो नया बाइक लेके क्या फ़ायदा है। इसको तो बता सकते हैं कि बाइक हम लोग सेकेंड हैंड बाइक कर रहे हैं और फुल पेमेंट दे के, फर्स्ट बाइक है भाई का और फर्स्ट बाइक में ऐसा हो गया, क्या बताऊँ, बहुत बुरा लग रहा है। अभी देखते हैं उन लोगों का क्या प्रोसेस है, क्या करता है, तो आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। अगर पेमेंट रिफंड कर दिया तो भी चलेगा, और नहीं तो बाइक हम लोग चेंज कर लेंगे, देखते हैं क्या उन लोग बताते हैं। लेकिन ये बाइक तो हम लोग नहीं लेंगे, इधर पे क्रैश हुआ, इधर पे हुआ है और एग्जॉस्ट पे भी है। और ओडो सबसे बड़ा बात है, ओडो
ये सब तो ठीक है, सब कर लूँगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको देखते हैं क्या सॉर्ट आउट होता है या नहीं। One week later. So guys, अभी मैं जा रहा हूँ प्रेस से मीट करने के लिए, क्योंकि पिछले दिन दो चार दिन पहले जो वन वीक हो गया शायद बाइक डिलीवरी डे को, मैंने उस बाइक को नहीं लिया क्योंकि वो बाइक टेस्टेड कंडीशन था, इसलिए मैंने उसको लेने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद किसी लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था और दूसरा कोई व्हीकल भी नहीं था, वैसे वर्जन थी, तो इसलिए वेट करा, उसके बाद बाइक लिया। So guys, ये रहा नया बाइक मेरे का, बाइक मुझे V3 का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत एग्रेसिव पोस्चर है, जो एकदम स्पोर्ट्स लुक देता है फ्रंट से, और जो राइडर है उसको भी एक स्पोर्टिंग पोजीशन देता है, इसलिए थोड़ा अलग फील होता है क्योंकि मैं जिसका चला था एकदम अपराइट पोजीशन। उसके बाद जब मैं बाइक को चला रहा हूँ ना गाइस, इस पोस्चर के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहा हूँ इस तरह। और वर्षन जी का जो हैंडलिंग है, ओ भाई ऑसम हैंडलिंग है, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत स्मूथ है, आप लोग इजीली बहुत कटकूट मार सकते हो इस बाइक से, देख ही पा रहे हो कि आप लोग ट्रैफिक में फिल्टर कर सकते हो। और यमा का तो स्मूथनेस क्या बताओ, रिफाइनमेंट होता है इंजिन में बहुत ज़्यादा, तो रिफाइनमेंट फील हो रहा है अभी। और एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगता है वर्षन जी का, और ऊपर में इधर पे VVA टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए भी पावर बहुत बढ़ जाता है, 6000 या 7000 RPM के बाद VVA टेक्नोलॉजी ऑन होता है। सो आप लोगों को थोड़ा एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूं। वर्षन 3 का और राइडिंग जो पोस्चर, राइडिंग स्टाइल, और BS6 में गाइस मुझे थोड़ा पावर कम लग रहा है क्योंकि मैं BS 4 भी चला चुका हूँ, थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन शॉर्ट पिकअप बहुत ज़्यादा है वर्षन 3 में। आप लोग जब राइड करोगे ना गाइस, आप लोगों को उतना ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा कि आप लोग 150cc का बाइक चला रहे हो। तो इधर पर टैंक पर देखो गाइस, एक रेड कलर के ग्राफिक्स है, नया कलर है एकदम, मैं रुक के आप लोगों को कलर दिखा देता हूँ पहले। तो फ्रंट से लुक देखो क्या लग रहा है, इधर पे LED हेडलाइट और इधर पे R15 लिखा हुआ, छोटा सा इधर पे ग्राफिक्स है, और एकदम ग्रे कलर के साथ रेड टचअप दिया हुआ है, रेड ग्राफिक्स, इधर पे R15 लिखा हुआ है। ग्राफिक्स मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, इधर पे VVA टेक्नोलॉजी। बाइक अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि बहुत दिन पहले लिया है। इधर पे ABS डुअल चैनल ABS मिलता है अभी BS6 मॉडल पे, और कुछ तो चेंजेस नहीं है, थोड़ा RPM BHP टॉर्क ड्रॉप हो गया है बस। और लुक्स देखो, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है R15 वर्जन 3, और टैंक के ऊपर एक ग्राफिक्स के लिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, R15 वर्जन 3 में सबसे जो मुझे अच्छा लगता है फीचर वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना बड़ा और इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाता है। फर्स्ट में दिखाता है हाई बॉडी, आप इधर पर नाम भी लिखा सकते हो, इधर पर VVA टेक्नोलॉजी, RPM, गियर, क्लॉक, 2 ट्रिप मीटर, या रियल टाइम माइलेज, और ऊपर पे RPM का लिमिट भी दिखाता है। और गाइस जब बंद करोगे तो CU भी दिखाता है, और इधर पे FI का सिग्नल और इंजन ओवरहीट का सिग्नल, और राइट साइड पे ABS और सिटिंग पोजीशन, क्लिप और हैंडल बार, क्या बताऊँ, बहुत ही
काफ़ी अच्छा। बाइक में ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ ब्रेक में वो जो पंच चाहिए होता है वो पंच मिल रहा है भाई। इसका प्राइस पड़ा है गाइस 182,000 के आसपास। अभी नया मॉडल पे टोटल रिस्पांस मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अप्रॉक्स 40 से 45 तक इजीली मिल जाएगा। वैल्यू फॉर मनी बाइक है एकदम। हैंडल रेडियस भी काफी अच्छा है वाइजर मॉडल होने के बाद भी। क्लच मिलता है, क्लच भी बहुत स्मूथ है और ब्रेकिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर कोई सोच रहे हो कि अल्फा वर्शन 3 लेने का तो गाइस ले लो, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। आप लोगों को कोई अफसोस नहीं होगा कि लगा दो इस बाइक को, फील एकदम भी नहीं होगा। बॉडी कंट्रोल है इस बाइक में बहुत ज़्यादा, एकदम इशारों पे नाचते हैं ऐसा। आप जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। एग्रेसिव मोड भी है, अगर स्मूथ राइड करना चाहते हो स्मूथ राइड भी कर सकते हो। पहले जब फर्स्ट फर्स्ट लोगे तो थोड़ा इस जो पंप है इसमें थोड़ा पेन होगा, लेकिन चलाने जब राइड करते रहोगे कंटिन्यूअसली तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा आप लोगों को। ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, सारा जो प्रेशर आता है इस हैंड पंप पे, पंप के ऊपर ही आता है। सो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो गाइस अच्छा लगा जरूर एक लाइक करके जाना। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। अगर आप लोगों को क्वेरी रहेगा जरूर कॉमेंट करके बताना और मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन और एक बार।